नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है ख्याति का लेखांकन, उसमें हमने कल पढ़ा था जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान न हो, यानी ख्याति खाते को पहले से बैलेंस शीट के अंदर न दिखाया गया हो, यानी जब ख्याति खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान न हो, अर्थात ख्याति खाते को पहले से पुस्तकों में न दिखाया गया हो या बैलेंस शीट में न दिखाया गया हो और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए, तो उसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई थी कि अगर जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाएगा तो आपको पहले उसकी एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी उसकी एंट्री क्या होगी, कैश को डेबिट करोगे, क्रेडिट गुडविल को करोगे, लेकिन बाद में उसी गुडविल को आपको पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में जमा करनी है उनके पूंजी खातों में। दो एंट्री तो ये करनी होती है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है, लेकिन तीसरी एंट्री जब ऐसा लिखा हुआ हो कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, तो अपने तीसरी एंट्री और करनी पड़ती है ख्याति की राशि को फर्म से निकालने की, लेकिन वो तीसरी एंट्री उसी दशा में करनी होती है जब आपको स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हो तो आप तीसरी एंट्री नहीं करोगे, लेकिन नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तो आपको उसकी दो प्रविष्टियां तो करनी ही पड़ेगी, एक तो लाने वाली और उसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। आप पार्टनर में जब डिस्ट्रीब्यूट करते तो मैंने बताया था आपको किस अनुपात में करेंगे, त्याग के अनुपात में करेंगे। अब त्याग का अनुपात कैसे निकालते हैं वो भी बताया था, पुराने अनुपात में से क्या करते हैं, नए अनुपात को घटा देते हैं तो आपके त्याग का अनुपात आ जाता है। अपने एंट्रीज की बताई थी मैंने, आज इसका एक एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा उसे समझेंगे। जैसे किसी फर्म ने रमेश और दिनेश दो पार्टनर हैं जो लाभों को 3:2 में बांटते हैं। रमेश और दिनेश लाभों को 3:2 में बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने महेश को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। उन्होंने महेश को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। महेश कैपिटल के 50,000 रुपये लाया तथा गुडविल में उसका हिस्सा 10,000 तय कर दिया गया कि महेश है वो कैपिटल के तो कितने लेकर आया है 50,000 और गुडविल के 10,000 जो वो नगद में लाया है। अब आपको ये इसमें कहे ख्याति संबंधी प्रविष्टियाँ दीजिए, ये कह दिया जाए कि ख्याति संबंधी प्रविष्टियाँ दीजिए, तो इसमें ख्याति संबंधी प्रविष्टियाँ वो कैसे करेंगे। देखो रमेश और दिनेश दो पार्टनर हैं जो लाभों को 3:2 में बांटते हैं और महेश 1/6 हिस्से के लिए आया और कैपिटल के तो वो कितने लेकर आया 50,000 रुपये और गुडविल के कितने लेकर आया वो 10,000 रुपये। आपका सबसे पहला कार्य है कि अपने जब नया साझेदार आता है तो मैंने कहा दो प्रकार की राशि लाता है, एक तो वो गुडविल लेकर आएगा और एक वो कैपिटल लेकर आएगा। जब वो कैपिटल लेकर आता है तो उसकी एंट्री अपनी करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसे पुराने साझेदारों में वितरित नहीं किया जाता। लेकिन नया साझेदार जब गुडविल की अमाउंट लेकर आता है तो उस गुडविल की अमाउंट को अपने पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित करते हैं। अब त्याग के अनुपात का सूत्र होता है अपना पुराना अनुपात माइनस में नया अनुपात। अब इसमें देखो सिर्फ आपको इतना सा बताया हुआ है कि रमेश और दिनेश 3:2 में बांटते हैं और महेश को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है। अब आपको ये नहीं बताया कि महेश को जो 1/6 हिस्सा मिला वो किससे कितना लिया,
कि महेश से जो 1/6 हिस्सा मिला है वो किससे कितना वसूल किया है। तो आपको ये मानना पड़ेगा, मैंने पहले आपको बताया था जब लाभ हानि अनुपात किया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो तो आपको ये मानना पड़ता है नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है और पुराने साझेदारों का हिस्सा 3:2 है, तो इसका मतलब इसमें नया साझेदार जो 1/6 हिस्सा ले रहा है वो पुराने साझेदारों से 3:2 में ही प्राप्त करेगा। तो इसमें आपको त्याग के अनुपात निकालने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको त्याग का अनुपात वही मानना पड़ेगा जो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात है, और पुराना अनुपात इसमें क्या है 3:2 है, 3:2 है। तो जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है तो त्याग का अनुपात भी पुराना ही होता है। अब इसमें आपको ख्याति संबंधी प्रविष्टियां करनी पड़ेगी, और ख्याति संबंधी जब प्रविष्टि करोगे तो पहली एंट्री आपको करनी है कैश टू गुडविल, लेकिन साथ में वो कैपिटल भी ला रहा है। जब कैपिटल लाता है तो उसकी एंट्री होती है कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों ही दशाओं में जो डेबिट होएगा वो क्या होएगा कैश होएगा, लेकिन क्रेडिट क्या होता है एक जगह तो कैपिटल होता है और एक जगह गुडविल होता है। तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू शी आया कौन है महेश टू महेश कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री तो बनेगी कैपिटल लाने की, और गुडविल लाने की बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दोनों ही दशाओं में कैश डेबिट हुआ है अतः आप इसकी मिक्स एंट्री यानी मिश्रित एंट्री कर सकते हो। तो क्या करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर कौन आया है महेश, तो टू महेश कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट, यानी वो दो तरह से रुपए लेकर आया है, एक तो किसके पैसे लेकर आया कैपिटल के, एक गुडविल के। तो कैश कैपिटल के वो 50,000 लाया और गुडविल के 10,000 लाया, तो कैश में तो कितना आएगा 60,000 आएगा। तो कैश अकाउंट करोगे अपने 60,000 से, महेश कैपिटल कितनी होगी इसमें 50,000 और गुडविल कितने की होगी 10,000 की, गुडविल कितने की होगी 10,000 की। तो जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल और टू गुडविल। अब देखो 50,000 तो वो कैपिटल के लाया और 10,000 वो 10,000 वो गुडविल के लाया। अब क्या करना आपको गुडविल को पुराने साझेदारों में वितरित करना है उनके त्याग के अनुपात में। गुडविल को क्या करेंगे पुराने साझेदारों में वितरित करेंगे, और किस अनुपात में करेंगे त्याग के अनुपात में, और त्याग का अनुपात इसमें वही होएगा जो पुराना अनुपात है, और पुराना अनुपात क्या है 3:2 है। क्यों हुआ वो, क्योंकि ये नहीं बताया कि नए साझेदार ने पुराने साझेदारों से किस अनुपात में हिस्सा प्राप्त किया है। तो अपने ये मानेंगे कि पुराने साझेदारों ने नए साझेदार ने पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त किया है। और जब ऐसी सिचुएशन थी तो मैंने आपको त्याग का अनुपात निकालना सिखाया था, वो पहले त्याग का अनुपात चाहो तो निकाल भी सकते हो। पहले क्या करोगे देखो इसमें तरीका बताया था रमेश का त्याग, तो रमेश को कितना मिलेगा 1/6, इसको इसके हिस्से से गुणा कर दो इंटू 3/5। रमेश का त्याग 1/6 इंटू 3/30, तो रमेश का त्याग हो गया 3/30। अब आएगा दिनेश का त्याग, एक बटे छः का 2/5, ये आ गया 2/30। तो त्याग का अनुपात वही 3:2 आ गया, ये क्या हो गया उनका त्याग का अनुपात हो गया। तो अब अपने क्या करना है इस गुडविल को पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर हमने गुडविल को क्रेडिट किया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करोगे आप इसे वापस डेबिट करोगे।
गुडविल अकाउंट डेबिट। बांटने किस में, पुराने साझेदारों में और किस अनुपात में, त्याग के अनुपात में। तो त्याग का अनुपात क्या उनका 3:2, तो करेंगे अपने 2 पुराने साझेदार है, एक तो रमेश, 2 रमेश कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है, दिनेश, 2 दिनेश कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 रमेश कैपिटल अकाउंट, 2 दिनेश कैपिटल अकाउंट। अब क्या करेंगे, जो गुडविल नया साझेदार लाया वो कितने लेकर आया है, 10,000। इस 10,000 को अपने पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल गुडविल कितनी है, 10,000। और रमेश और दिनेश में किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2 में, यानी 3:2 में। तो क्या करेंगे, 10,000 को 3:2 में बांटोगे, 6,000 और 4,000 आ गया। कितना आ गया, 6,000 और 4,000। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, 2 रमेश कैपिटल अकाउंट, 2 दिनेश कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन इतना सा है तो आपको सिर्फ ये 2 एंट्री करनी है, एक तो कैश लाने वाली और उसे साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये कह दें कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, तो उसमें आपको तीसरी एंट्री और करनी पड़ेगी। क्या कह दें कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, अगर पुराने साझेदार ख्याति की राशि फर्म से निकाल ले तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो वो कब करनी है, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो। तो पुराने उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, ओल्ड पार्टनर टू कैश। ओल्ड कौन कौन है, रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 कैश अकाउंट। तो रमेश कैपिटल, दिनेश कैपिटल, 2 कैश। रमेश और दिनेश ने क्या किया, वो गुडविल की राशि निकाल ली। तो 6 इसके हिस्से में था 6,000, इसने 6,000 निकाल लिया, इसने 4,000 निकाल लिया, और टोटल है वो 10,000 निकाल लिया। तो ये हो गया, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नकद में लाए और पुराने साझेदारों द्वारा ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली जाए। दोबारा देखो कि नया साझेदार इसमें कौन आया, महेश, उसको 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। रमेश और दिनेश लाभों को कैसे बांटते हैं, 3:2 में बांटते हैं। रमेश और दिनेश लाभों को 3:2 में बांटते हैं, महेश को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। अब महेश है वो कैपिटल कितनी लेकर आया, 50,000 की, और गुडविल कितनी लेकर आया, 10,000 की। तो टोटल वो कितने रुपए लेकर आया, 60,000। तो कैश अकाउंट डेबिट में तो हमने लिख दिया 60,000, यानी वो टोटल अमाउंट है वो 60,000 लेकर आया है, जिसमें से कैपिटल के कितने हैं, 50,000। तो कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें न्यू पार्टनर कौन हो गया, महेश, तो एंट्री बनी 2 महेश कैपिटल। और गुडविल के वो कितने लेकर आया, 10,000, तो 2 गुडविल 10,000। तो कैश में टोटल कितना आ गया, 60,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000 से हो गया, 2 महेश कैपिटल 50,000 और 2 गुडविल 10,000। टोटल है वो 60,000 रुपये लेकर आया है। पहली एंट्री करनी है, दूसरी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना लिखा हो। तो एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 2 रमेश कैपिटल, 2 दिनेश कैपिटल। इस गुडविल को क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और त्याग का अनुपात इस क्वेश्चन में है वो वही माना जाएगा जो पुराना अनुपात है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि नए साझेदार ने पुराने साझेदारों से किस तरह से लिया है, इसलिए ये माना जाएगा नए साझेदार ने पुराने साझेदारों से पुराने अनुपात में हिस्सा प्राप्त किया है। तो पुराना अनुपात क्या है, 3:2। तो कैपिटल कितनी होगी अपनी, 50, गुडविल 10,000 है। तो गुडविल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो किस अनुपात में करेंगे, पुराने में, क्योंकि पुराना है वो क्या है, इसमें त्याग का अनुपात है। तो ऐसे करोगे, 10,000 को 3:2 में बांट दोगे। तो ये 2 प्रविष्टियाँ करनी है। तीसरी प्रविष्टि कब करनी है आपको, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे कहे कि पुराने साझेदारों ने फर्म से ख्याति की राशि निकाल ली है, तो फिर उसमें क्या करना होता है आपको, देखो
फर्म से ख्याति की राशि निकालने की एंट्री है ओल्ड पार्टनर टू कैश, और वो किस अनुपात में होती है, वो होती है हमेशा वो भी त्याग के अनुपात में, जितना उसके जमा किया उतना उसके नाम लिखेंगे तो रमेश कैपिटल दिनेश कैपिटल टू कैश आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें आपको ये कह देते कि पुराने साझेदारों द्वारा 60% जो 60% है वो फर्म से निकाल लिया गया है, पुराने साझेदारों द्वारा 60% है वो क्या है फर्म से निकाल लिया गया है। तो 60% निकालने का अर्थ ये हुआ कि जैसे रमेश के हिस्से में गुडविल 6000 आई है और दिनेश के हिस्से में गुडविल कितनी आई है 4000 आई है, तो वो इसका 60% निकालेंगे, तो यहाँ पर अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो 6000 का 60% कितना हो गया 3600 रुपये, और इसका हो गया 2400 रुपये। तो दोनों ने क्या किया 60% अमाउंट वो फर्म से निकाल ली, तो 3600 तो इसने निकाल लिया, 6000 का 60% और 4000 का 60% 2400 इसने निकाल लिया, टोटल जो कैश गया है वो 6000 गया, यानी 10000 का 60%, टोटल कैश है वो कितना गया है 10000 का 60%। अब ये जब कौन सा पॉइंट हो गया, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए। कल मैंने आपको एक टॉपिक और बताया था, कई बार ऐसा होता है कि आपको ये कहे नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में ना लाए, कहने का मतलब वो ख्याति की राशि को नगद में नहीं ला रहा, वो ख्याति की राशि को नगद में नहीं ला रहा, वो ये कह रहा है ठीक है आप मेरे नाम लिख दो वो और मैं आपको अमाउंट बाद में दे दूँगा, या ऐसे मान लो कि आपके आप मेरे बाद में अकाउंट में से काट लेना। तो देखो पहले इसके लिए एंट्री दे रखी होती थी ओल्ड पार्टनर के न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन आजकल क्या करते हैं थोड़ा सा इसको परिवर्तित कर दिया कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता तो अपने पुराने साझेदारों के तो कैपिटल में जमा कर देते हैं, लेकिन नया साझेदार है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट न कर उसकी जगह करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं, क्योंकि ये मानना होता है कि जब नया साझेदार कैपिटल लेकर आया है अगर अपने शुरू में उसे डेबिट करेंगे तो शुरू में उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको कल एंट्री बताई थी कि जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में ना लाए तो उसकी एंट्री आपको करनी होती है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी करंट और कैपिटल दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, नए पार्टनर के तो करंट में डेबिट करेंगे लेकिन ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। यानी कि इसके अंदर अपना पॉइंट था जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नए लाए, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नए लाए, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में नहीं लाता तो उसमें आपको एक एंट्री करनी है। देखो पहली एंट्री मान लेते हैं अपने ये सवाल ऐसे ही है, गुडविल वो नगद नहीं लाया लेकिन उसकी गुडविल है वो 10000 तय करती गई है, यानी नया साझेदार गुडविल नगद नहीं लाया लेकिन उसकी जो गुडविल है वो 10000 रुपये तय कर दी गई है। अब 10000 तय कर दी लेकिन वो नगद नहीं लाया, लेकिन कैपिटल तो नगद लाया ही है, तो कैपिटल लाने वाली तो एंट्री कर सकते कर दो आप कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैश टू गुडविल वाली एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि वह गुडविल की राशि नगद में न लाकर अपने नाम लिखवाए हैं, उसने अपने खाते में डेबिट करवाया है। तो फिर एंट्री क्या बनेगी, देखो कैपिटल वो 50 ये है नगद नहीं लाया, नगद नहीं लाया, जब नगद नहीं लाया तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो कैपिटल लाने की एंट्री तो कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश
कैपिटल अकाउंट, तो कैश टू में इस कैपिटल कितने से करेंगे, सिर्फ 50,000 से ही एंट्री करेंगे। एंट्री बनी अपनी कैश अकाउंट डेबिट टू में इस कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, 50,000 से। बाद में क्या करोगे, देखो कि वो ख्याति की राशि नगद नहीं लाया, तो नगद ना लाए तो उसकी एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री भी किस अनुपात में होएगी, त्याग के अनुपात में होएगी। त्याग का अनुपात इसमें 3:2 है। तो आप न्यू पार्टनर करंट अकाउंट नया कौन महेश, एंट्री बनेगी महेश कैपिटल अकाउंट के क्या लिखना है आपको, करंट लिखना है, करंट अकाउंट डेबिट, महेश करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड कौन कौन है, रमेश, रमेश कैपिटल अकाउंट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। तो महेश करंट अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। महेश करंट, तो महेश करंट में कितने रुपए लिखेंगे, जो उसके हिस्से की हमने ख्याति माननी है, और उसके हिस्से की ख्याति कितनी माननी है हमने, 10,000 रुपये। तो महेश के करंट अकाउंट में आपको 10,000 लिखने हैं, महेश के करंट अकाउंट में आपको क्या करना है, 10,000 टू रमेश कैपिटल अकाउंट। अब वही बात, ये 10,000 रुपये हमें पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जमा करने हैं और त्याग के अनुपात में करने हैं, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जमा करने हैं और त्याग के अनुपात में करने हैं। तो त्याग का अनुपात इसमें वही 3:2 हो गया, तो क्या करेंगे, 3:2 यानी 6,000 और 4,000। तो गुडविल केस में ये एंट्री है, ठीक है, ये कैपिटल लाने की है। इसमें भी वही लाइन आ सकती है कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, तो जब पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली तो फर्म से ख्याति निकालने की वो ये एंट्री कर देंगे। तो ये अपना टॉपिक हो गया, जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान न हो और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए और नगद में न लाए। अब देखो इसी के अंदर, जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो, जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो, जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो, देखो जब पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, अपने सामने दो सिचुएशन है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए और जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में न लाए। जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए चाहे ना लाए, इतना ध्यान रखना, अगर पहले से ख्याति खाता फर्म में खुला हुआ है तो आपको क्या करना है, उस ख्याति खाते को बंद करना है। जैसे हम ख्याति खाता बंद करेंगे तो अपना वही पॉइंट आ जाएगा, जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान न हो, बंद हो गया तो अब अपने विद्यमान नहीं बचा, तो अपना टॉपिक वही आ गया, जब पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान न हो। अब पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान नहीं है, उसके बाद वही एंट्री कर दो जो अभी हमने की थी, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने की, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने की और उसे फर्म से निकालने की, या फिर नगद नहीं लाया तो वही न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो तो आपका कार्य क्या है, आपको पहले पुराने ख्याति खाते को बंद करना है।
अब वो पुराना खाती खाता आपको कहाँ पर मिलेगा? वो बैलेंस शीट की असेट साइड में मिलेगा। कि अगर पुस्तकों में विद्यमान है, विद्यमान कब होता है? विद्यमान का मतलब यही है कि वो बैलेंस शीट में दिखाया होता है। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ पार्टनर, कुछ फर्में ऐसी होती है जो गुडविल को एक आदर्श संपत्ति मानते हुए वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाती, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मान लो हम खाली गुडविल को बेचें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए वो उसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। लेकिन कुछ एक फर्में ऐसी होती है जो कहती है कि गुडविल भी अन्य संपत्तियों की तरह ही एक संपत्ति है, अतः इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में दिखानी चाहिए। तो हमने अब ये पॉइंट करना है कि जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो, तो जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान होएगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहला कार्य उसको बंद करना। आप बंद करोगे तो चाहे वो पहले से, चाहे आप नगद में लाए चाहे नगद में ना लाए, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीधे आपको बंद करने की एंट्री तो पहले करनी करनी है, आगे वो एंट्री वैसी की वैसी शुरू हो जाएगी। तो अगर पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है तो उसे बंद करने की एंट्री क्या होगी? देखो, उसे बंद करने ख्याति खाता बंद करने पर ख्याति खाता बंद करने पर, तो ख्याति खाता बंद करने पर क्या प्रविष्टि होगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये जो एंट्री होगी वो पुराने अनुपात में होगी। किस अनुपात में होगी? पुराने अनुपात में। तो ख्याति खाता बंद करने पर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंट्री क्या करेंगे? पुराने अनुपात में ख्याति खाते को बंद करेंगे। अब ख्याति खाते को यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया है? देखो, अगर बैलेंस शीट में ख्याति खाता दिखाया हुआ है तो इसका मतलब पहले से वो क्या है? पहले से वो डेबिट है, क्योंकि असेट साइड में गुडविल दिखाई जाती है और प्रत्येक असेट्स का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, तो गुडविल भी वहाँ पर क्या है? डेबिट है। जब आप उसे बंद कर रहे हो तो आपको उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर उसे एक बार डेबिट कर दोगे तो फिर से वो बढ़ जाएगी बंद होने की बजाय। इसलिए आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में करनी है ये? ये आपको करनी है ओल्ड रेशियो में, पुराने अनुपात में। पुराने अनुपात में क्या करना है आपको? इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब पहले से ख्याति खाता खुला हुआ हो तो पहला कार्य आपको ये है, बाकी एंट्रियां बाद में करोगे। सबसे पहला कार्य आपका यही है कि आप पहले से खुले हुए ख्याति खाते को क्लोज करोगे, उसे बंद करोगे। उसे बंद करने के बाद आप आगे की प्रविष्टियां करोगे। तो जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, आपके सामने दो सिचुएशन हो सकती है, जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो और ख्याति खाता पहले से विद्यमान न हो। हमने किया था पहले जब ख्याति खाता विद्यमान न हो, अब करेंगे पॉइंट अपना विद्यमान हो। तो पहला कार्य आपको क्या करना है? जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो तो पहला कार्य आपका यही है कि आपको उस ख्याति खाते को बंद करना है। और ख्याति खाते को बंद करने के बाद आगे आपकी वही सिचुएशन शुरू हो जाएगी कि ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं है। और जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान नहीं है तो इसका मतलब आगे वही एंट्री, नगद लाने वाली कैश टू गुडविल, आगे वही एंट्री गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, वैसी की वैसी सेम एंट्रियाँ करेंगे। तो ये अपने हो गया ख्याति का लेखांकन। इसका अपने जो एग्जाम्पल करेंगे वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।